टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ प्लान्स। नाउ बेटा, अब तक हम लोगों ने जो किया था वो था कि प्लानिंग इज व्हाट, व्हेन, हाउ, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि वेल इन एडवांस हमें ये पता हो कि हमें क्या करना है। इट्स अ बट नेचुरल, जब आपको ये पता होगा कि क्या करना है, किसने करना है, कब करना है, देन ओनली यू कैन एलोकेट द अदर थिंग्स। आप बाकी चीजों को तभी तो कर सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी मैनेजर इज प्लानिंग। फिर हम लोगों ने, वी ऑल्सो हैव अंडरस्टूड दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डजेंट मीन कि यस हमने प्लान किया है। यस, प्री प्लान बहुत कुछ होता है, पिछले कई साल वो प्लानिंग आपकी चलती है, बट दैट डजेंट मीन दैट द प्लानिंग विल ऑलवेज गेट द बेटर रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इन आर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर वी हैव 5 ईयर प्लान्स। वी हैव अ पॉलिसी गवर्नमेंट का जिसको हम कहते हैं 5 ईयर प्लान्स, एंड फॉर एवरी 5 ईयर एक पर्टिकुलर जो फील्ड है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। बट इन द सेंस देर वॉज अ गैप ऑफ अराउंड 5 ईयर्स बिकॉज द प्लानिंग वॉज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली। तो प्लानिंग इज जस्ट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, डजेंट मीन कि इट वुड कंप्लीटली एलिमिनेट, ऐसा नहीं होता है। येट विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट वर्क। नाउ वाइल वी आर प्लानिंग, हम कुछ प्लान्स तो ऐसे रखते हैं जो कि स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग मतलब विच विल बी यूज्ड व्हेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर इट इज रिक्वायर्ड। जब कंपनी में कुछ काम करते हैं तो देर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स, जैसे कंपनी में किसी को अपॉइंट करना है, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी उठे चलो भाई अपॉइंट कर लिया। नो, देर आर सर्टेन पॉलिसीज, कब, कैसे। हर कंपनी का अपना एक कैडर, अपना एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, अपनी एक एचआर पॉलिसी, अपनी एक व्हाट यू कॉल एज सैलरी पॉलिसी होती है। किसी कंपनी के अंदर आप जाओगे, आपको लिखे मतलब की होगा क्लर्क, मैनेजर, ऑफिसर, ऐसे वर्ड सुनाई देंगे। किसी ऑफिस में जाओगे वहां एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ऐसे दिखाई देंगे। तो ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, दिस डिपेंड्स कंपनीज पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है दिस इज अ प्लानिंग कि हम अपनी कंपनी में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे। प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब आप में से कोई भी बच्चा कल को गवर्नमेंट में काम करना चाहता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आप गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हाउ टू एंटर, मतलब व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ एंटरिंग, आप किस रैंक पर जाना चाहते हो, वेदर यू वॉन्ट टू गो टू द लोअर लेवल, यू वॉन्ट टू गो टू द अपर कैडर, यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द IAS और IPS, सबकी पॉलिसीज अलग है। गवर्नमेंट की एक कॉमन पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की कॉमन पॉलिसी क्या है, फर्स्ट फर्स्ट रिटन एग्जाम, सेकेंड आपका स्किल बेस्ड एग्जाम, फॉर IPS एंड IAS एंड ऑल यू ऑल्सो हैव एन इंटरव्यू। सो दिस इज अ पॉलिसी। तो ये गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है कि अगर इस लेवल में इंसान एंटर होगा तो उसको हम ऐसे लेंगे, इस लेवल में लेगा तो हम उसको ऐसे लेंगे। तो दिस इज अ पॉलिसी, दिस इज अ पॉलिसी।
तो प्लानिंग करके रखा जाता है, हाउ यू आर गोइंग टू अपॉइंट, हाउ यू आर गोइंग टू उनको प्रमोट करना है, व्हाट इज द पॉलिसी इनका इन द एमएनसी, 3 इयर्स, 5 इयर्स, यहाँ तक 1 ईयर भी होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने रूल्स होते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं हाउ दे प्लान। तो ये जो प्लानिंग होती है, एक होता है जिनको हम चलाते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पिछले कई सालों से द सेम रूल इज अप्लाइड। आपको मतलब कि लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, असिस्टेंट ग्रेड में जाना है, तो आपको मतलब कि बैंकिंग वगैरह में, तो फर्स्ट यू हैव टू गिव एन एग्जाम, देन अ स्किल बेस्ड टेस्ट, दैट्स अ यानी कि स्टैंडिंग। इट हैज बीन यूज्ड, द ओनली थिंग इज बहुत सालों पहले टाइपिंग वॉज द टाइपिंग, मतलब जो टाइप राइटर होता उस पर टेस्ट होता था, अब कंप्यूटर पर टेस्ट होता है, बस दैट्स अ ओनली चेंज। तो दैट इज स्टैंडिंग पॉलिसी। एंड दूसरा होता है सिंगल यूज, जैसे आजकल हमारे बॉल पेन्स, एक बार यूज किया थ्रो, अगेन यू हैव टू बाय न्यू। सिमिलरली देर आर सम पॉलिसी, क्योंकि उनके लिमिटेशंस होती है, उनको आप मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद यूज नहीं कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही यूज कर सकते हो, दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज, राइट। क्लास 12, आपके पेपर के अंदर आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्लान, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्लान, तो बेटा यू आर नॉट सपोज टू राइट स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान, आपको उस प्लान का नाम लिखना है एंड इन द ब्रैकेट आपको टाइप्स ऑफ प्लान को मेंशन करना है। और अगर आपके पेपर के अंदर टाइप्स ऑफ प्लान आ गया, तो जो बहुत कम आता है, टाइप्स ऑफ प्लान, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, काइंड ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, अगर टाइप आया देन ओनली यू विल बी राइटिंग सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज। एंड मोर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेपर के अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान आया है। कभी भी आपके पेपर के अंदर जब आइडेंटिफाई करते, तो आपको ये नहीं बोलते कौन सा टाइप है, टाइप मतलब सिंगल, और काइंड मतलब जो डिफरेंट काइंड हम पढ़ेंगे अब, अलग अलग जो हमारे प्लान्स हैं। एंड इन दोस द की इज, जो उसके मेन वर्ड्स मैं अभी अंडरलाइन करूंगी, उनको आपने हमेशा याद रखना है, बिकॉज इन योर केस स्टडीज, इन योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यू विल बी गिवन दोस वर्ड्स, बिल्कुल सेम वही वर्ड दिया होता है, नाम चेंज कर दिया जाता है। इट मे बी अतुल, इट मे बी आर्यन, इट मे बी अंश, अ बिजनेसमैन। तो ये जो आपके मतलब की प्लान्स हैं, उनमें जो अंडरलाइन करूंगी उनको आपने हमेशा याद रखना, बिकॉज दैट वुड बी देयर, दैट कैन कम एज अ मैच द कॉलम, दैट कैन कम एज एन एमसीक्यू, दैट कैन कम आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। सो आई एम जस्ट मूविंग विद द एनसीईआरटी। देखिए बेटा, स्टैंडिंग प्लान, वंस अगेन आई टेल यू, स्टैंडिंग प्लान आई एम जस्ट गिविंग विद, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर अ प्लान विद आ बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि आपके पास प्लानिंग क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है, दैट्स ओनली अ ब्लूप्रिंट, यू कैन ओनली वर्क अकॉर्डिंग टू इट, यू कैन नॉट वर्क एज व्हाट इट इज गिवन।
प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड लेंथ. सर्टन हैव अ शॉर्ट टर्म, यानी कि आप उसको शॉर्ट टर्म यूज करो, हेल्प्स टू अचीव द ऑपरेशनल गोल्स. और इसीलिए हम टाइप्स में डालते हैं बच्चे सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज, सिंगल मतलब आप समझ गए, इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट. सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड, मतलब दे आर वही यूज करते हैं जहां आपका नॉन रिकरेंस है. एंड इट डिपेंड्स फॉर वन डे, वन मंथ. जैसे आपके स्कूल के अंदर सेमिनार है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार. अब सेमिनार का मतलब एक पूरा दिन का प्रोग्राम है, और उस पूरे दिन के प्रोग्राम के लिए अलग अलग चीजें होंगी. वो प्रोग्राम कहाँ पर होगा, कितने बजे होगा, कौन सी टीचर उसको हेड करेगी, जो गेस्ट ऑफ ऑनर है उसको हम कैसे वेलकम करेंगे, उसके लिए व्हाट विल बी द रिटर्न गिफ्ट, सब कुछ सोचेंगे. बट वो उसी एक दिन के लिए होगा, वी कैन नॉट यूज इट अगेन फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट. सो इट मे बी फॉर वन डे और अ वीक और मंथ. और इनमें हम यूज करते हैं बजट, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स. रिमेम्बर बजट, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज बजट, क्वांटिटी. प्रोग्राम मतलब किसके लिए वो प्लान पूरा बना है, वो एक पूरा प्रोजेक्ट, वो एक पूरा प्रोग्राम. दे कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वर्क कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट प्लान. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोग्राम मे कंसिस्ट ऑफ द स्टेप्स प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट टू डील विद अदर माइनर वर्क. प्रोजेक्ट्स आर सिमिलर टू प्रोग्राम बट डिफर इन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी. अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. यू कैन नॉट यूज द सेम बजट फॉर एवरी पीरियड, फॉर एवरी क्वार्टर, फॉर एवरी वर्क. पिछले मतलब कि क्वार्टर के अंदर जो आपने बजट स्टेशनरी के लिए रखा होगा, इस बार हो सकता है कम यूज हो. पिछले पिछले क्वार्टर में आपको एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करना था, इसलिए आपको स्टेशनरी ज्यादा जरूरत थी. इस वाले में नहीं जरूरत है. इट डिपेंड्स. देन अगर आपका जो आपकी जो कंपनी है एक नया ब्रांच स्टार्ट कर रही है, तो उस ब्रांच रिलेटेड के लिए बहुत सारे काम होंगे. वो पूरा काम एक छत्र के अंदर आएगा जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं. मतलब उस ब्रांच को ओपन करने के लिए जो जो हमें करना पड़ेगा, वो ब्रांच हम क्यों ओपन कर रहे हैं, उस ब्रांच को ओपन करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना है, कौन इस ब्रांच को हेड करेगा, इन सबको हम एक प्लानिंग में डालेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम. तो दैट इज सिंगल यूज, दैट विल बी यूज ओनली फॉर ओपनिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांच. अगले साल दूसरा ब्रांच स्टार्ट होगा तो दूसरी प्लान बनेगी उसके लिए. स्टैंडिंग प्लान, अ स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप उसको बार बार नहीं बदल सकते हो. इट इज डिजाइन टू एंश्योर द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली. दिस एनहांसेस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग. इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस एंड मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज नीडेड. जो मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपके क्लरिकल लेवल के अंदर, मतलब इन द यूडीसी एंड एलडीसी कैडर, आपका जो उनका जो मतलब कि तरीका है, पॉलिसी मतलब तरीका, वो है आपका पहले आपको यू हैव टू गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन यू हैव टू अपियर फॉर अ टेस्ट. बट अगर आप उसी गवर्नमेंट के अंदर यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हो,
देन आपका जो तरीका होता है उसके अंदर टेस्ट के साथ आपका तीसरा इंटरव्यू भी ऐड होता है। तो ये आपका स्टैंडिंग प्लान है, मतलब दिस हैज बीन अप्लाइड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, पहले होता था जो टेस्ट होते थे दे वर ऑन द व्हाट यू कॉल एज टाइपराइटर, अब कंप्यूटर पे होते। तो स्टैंडिंग प्लान मतलब कोई भी एक ऐसा प्लान जिसे हमने बना दिया और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है हम उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स मेथड्स एंड रूल्स। पॉलिसीज आर, अब हमारे पास आता है एक-एक करके हम पढ़ेंगे। पॉलिसीज आर जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान दैट स्पेसिफाइज ऑर्गेनाइजेशंस रेस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द एडमिशन पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपने देखा होगा व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ एडमिशन, आपके स्कूल का एडमिशन पॉलिसी क्या है। फॉर नर्सरी देयर माइट बी सम एज क्राइटेरिया 3+। देन फॉर फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड पास इन क्लास फिफ्थ, फॉर टेंथ नाइन्थ स्टैंडर्ड पास इन क्लास एट, फॉर इलेवेंथ स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ओब्टेन्ड इन सीबीएसई बोर्ड और एनी बोर्ड्स पॉलिसी। प्रोसीजर्स डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉलो, जैसे हम प्रोडक्शन में क्या लेते हैं, स्टेप क्या है, पहले रॉ मटेरियल आता है फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं, तो उसको तो मेथड है उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं। डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड इज, प्रोसीजर है पहला स्टेप क्या है दूसरा स्टेप क्या है, और मेथड है प्रोसीजर के अंदर जो हम स्टेप्स ले रहे हैं उसे कैसे ले रहे हैं। एंड रूल्स क्लियरली स्टेट व्हाट हैज टू बी डन, मींस इट विल बी हैविंग अ नेगेटिव रिपरक्शन। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनाल्टी भी देना पड़ जाए। दैट इज आपके स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस, दिस कैन कम एज पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू। देर आर अदर जिनको हम किसी भी मतलब कि सिंगल और दोनों में नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटजी, दे आर नॉट क्लासिफाइड अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मीन्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इट्स अ जनरल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अभी हम एक एक करके सारे पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, इट्स अ जनरल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि प्रायोरिटीज, बिजनेस एनवायरमेंट को देखना, कंपटीशन को देखकर हमें कैसे चाल चलनी है। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट, स्ट्रेटजीज आर रणनीति, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अगेन सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि आपकी कंपनी का, आपके डिपार्टमेंट का, आपके अपने टीम का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ईच यूनिट फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर कंपनी ने अपना गोल इस साल 10% कर दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपका जो है मैन पावर भी इंक्रीज होगा, अगर मैन पावर इंक्रीज होगा तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन है वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि फिर हर एक डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करेगा।
So this is what we call as plans. So now let us come to one by one. हम एक-एक को पढ़ेंगे. As I said that these can come as identification, these can come as match the column, and also these can come as आपका जो है this can come in a general वो कि आप explain करो. The very first is objectives. Aim. The first step in planning is setting objectives, यानी कि where the management wants to reach. Objectives are very basic to the organization, and ये आपके जो है पेपर का मैंने जो बोला आइडेंटिफाई करने के लिए आता है. दे आर डिफाइंड एज एंड, यानी कि आप कहाँ पर हो और आपको कहाँ पहुंचना है, आपका गोल क्या है, दिस इज ऑब्जेक्टिव. आप कहाँ पर हो और आपको कहाँ पहुंचना है, आपके पेपर के अंदर आ सकता है दे आर डिफाइंड एज द एंड, यानी कि व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव. फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स या फिर अर्निंग आरओआर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट. मतलब ये हर एक कंपनी अपने हिसाब से रखती है. कभी वो अपना सेल्स को फॉर्मुलेट करती है, कभी वो प्रॉफिट को करती है. अब आप सोचोगे कि सेल्स और प्रॉफिट में फर्क क्या है, बहुत फर्क है. सेल्स में हम एग्रेसिव सेल्स मार्केटिंग लेते हैं, प्रॉफिट के अंदर हम दूसरे टूल्स लेते हैं. दे रिप्रेजेंट ऑल द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग. ऑल अदर मैनेजिंग एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग दीज. दे आर यूजुअली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड फोकसेस ऑन ब्रॉड जनरल इश्यू. मतलब आगे कंपनी क्या करना चाहती है, हाउ द कंपनी वॉन्ट्स टू लुक इटसेल्फ आफ्टर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर. दे सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव. क्यों? क्योंकि अगर अभी मैंने जो बताया, अगर सेल्स को हमने इम्प्रूव करना है तो हमें सेल्स से रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स लेने हैं हमें वो लेना है. यानी कि सेल्स को बढ़ाना है तो हमें सेल्स टूल्स को यूज करना है. ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, यानी कि दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटी. भाई 10% हो या प्रॉफिट 25% हो. मार्केट शेयर, अभी कंपनी में मतलब एक मार्केट है, मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट अस से एक क्रीम है, ठीक है, एक क्रीम है. वो जो क्रीम है उसे 3 कंपनीज बनाती है. वो जो क्रीम है उसे 3 कंपनीज बनाती है. और मैक्सिमम हमने एनालिस्ट किया, कंपनी ने एनालिस्ट किया कि 70% जो लोग हैं वो एक क्रीम को यूज करते हैं, ठीक है, एंड 15% बी को और 15% सी को. राइट नाउ जो सी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर इस वक्त 15% है, वो चाहती है कि नेक्स्ट ईयर वो इस 15% को 50% कर दे. यानी कि अभी सिर्फ 15% लोग यूज करते हैं, नेक्स्ट ईयर तक 50% लोग उसके प्रोडक्ट को यूज करें. दैट इज एन ऑब्जेक्टिव. सो दैट मीन्स इट शुड बी वेरी क्लियर कि क्या चाहते हो. मार्केट शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप अलग अलग चीजें खरीदते हो. नॉट दिस खरीदना घर वाला, आई मीन टू से व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी.
कंपनीज जगह जगह पर इन्वेस्ट करती है, अपने ही कंपनी में करती है, दूसरी कंपनीज में करती है, तो वो क्या चाहती है? इफ यू आर रीडिंग द मार्केट न्यूज, अगर आप में से कोई भी बच्चा मार्केट न्यूज को पढ़ता है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट न्यूज के अंदर यू विल बी हैविंग अ नंबर ऑफ न्यूज, कोटैक ने इसको खरीद लिया, इसमें 10% जो है उसने डाला है, बायजूस के अंदर 10% उसने डाल रखा है, ऐसे करके। व्हाट आर दीज? ये जो 10% डाला, दे आर एक्सपैंडिंग, नेक्स्ट ईयर दे वांट 10% की जगह वो 15% लेना चाहते हैं, फिर टेक ओवर कर लेते हैं। दीज आर ऑल द वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के। सेकेंड, वेरी वेरी वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, स्ट्रेटजी। हम स्ट्रेटजी को हिंदी में रणनीति बोलते हैं, हम हिंदी में इसको रणनीति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप? दैट इज, हाँ, मतलब ये याद रखना, दिस इज ओनली फॉर योर रिमेम्बरेंस। स्ट्रेटजी मतलब किसी भी एक सिचुएशन में अगर आप फंस गए, कोई एक सिचुएशन आपके साथ में आ गया, तो आप उसको कैसे, आप उस चीज को पार करोगे? अ स्ट्रेटजी प्रोवाइड, दिस इज द वन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू मे फाइंड इन योर क्वेश्चन। अ स्ट्रेटजी प्रोवाइड द ब्रॉड कॉन्टोर, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। इट ऑल्सो रेफर्स टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन स्कोप इन लॉन्ग रन, मतलब कैसे वो लंबी रेस का घोड़ा बनकर रहेगी, हाउ द कंपनी इज गोइंग टू बी द इन द लॉन्ग रन। कॉन्टोर का मतलब होता है बेटा शेप, कॉन्टोर का मतलब होता है शेप, आकृति। तो दिस बिकम्स अ, आप कह सकते हो ये एक आकृति है कि हाउ यू आर गोइंग टू, दस वी कैन से स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव का सेकेंड स्टेप, मतलब आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स एंड एलोकेटिंग द रिसोर्स अकॉर्डिंगली। यानी पहले आपको पता है कि कंपनी में क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करने वाले, उसके लिए क्या क्या आपको पैसा, मैन पावर, आपको जो जो चाहिए वो। व्हेनेवर अ स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड, अब द बिजनेस एनवायरमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। द चेंजेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ऑल टेक्नोलॉजिकल विल इफेक्ट द स्ट्रेटजी। मतलब इस स्थिति में, इस कंडीशन में हम कैसे काम करेंगे, दैट इज स्ट्रेटजी। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इस कंडीशन में आपके पेपर के अंदर आपके पास ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला या ब्रॉड कॉन्टोर में से कोई एक आता है। जैसे अगर आपका आपका कॉम्पिटिटर प्राइस को राइज कर देता है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस को रिड्यूस कर दिया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? दैट इज स्ट्रेटजी। गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? यानी कि डीलिंग विद दैट सिचुएशन, इन अनदर वर्ड, डीलिंग विद दैट सिचुएशन।
Major strategic decisions will include whether the organization will continue in the same line or combine new lines. New lines मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स. सेम लाइन मतलब सेम तरीके के प्रोडक्ट्स. अगर आपका कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट ही कर रहा है वही चलेगा. हो सकता है फ्यूचर में स्ट्रेटेजी मतलब कि उन्होंने ड्रॉ कर रखा हो कि ब्यूटी के साथ वो लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चन. मतलब अब आपको मार्केटिंग करना है. मैं इस प्लानिंग के बाद मार्केटिंग चैप्टर ही लेने वाली हूँ क्लास 12, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू. तो मार्केटिंग का मतलब क्या है? आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर. 2010 और 2020 के मोबाइल्स में क्या फर्क है? 2010 एंड 2020 के मोबाइल्स में क्या फर्क है, लीविंग असाइड 3G एंड 4G. 2010 का मोबाइल सिर्फ सुनने के लिए और दो तीन गेम्स खेलने के लिए काम आता था. 2020 का मोबाइल हर वो काम कर देता है जो कंप्यूटर भी नहीं कर पाता. दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. आने वाले टाइम में हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है? अब हम क्या चाहते हैं? हमारा मोबाइल सब कुछ करे. हमारा मोबाइल हमारे लिए सब कुछ बन गया है. टुडे मोबाइल इज मोर लाइक अ लैपटॉप टू अस. तो हमारा कंज्यूमर क्या चाहता था? दैट द मोबाइल शुड बी मोर यूजफुल. उसका डिमांड क्या है? देन कैसे हम उसको बेचना चाहते हैं? हमारे पास कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, हम अकेले तो नहीं है ना जो मोबाइल बना रहे हैं. तो हमारी पॉलिसी प्राइसिंग की क्या होगी? हम उसे कैसे एडवर्टाइज करेंगे? यानी कि उससे रिलेट करके जितने सवालों को आपने जवाब देना है उसको हम स्ट्रेटजी के अंदर लेकर आए. हाउ टू डील विद दो सिचुएशंस. द थर्ड इज, अब आपके आता है वन इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज पॉलिसी. पॉलिसीज आर जेनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो स्ट्रेटजीज आपकी फॉर्म हो गई है, नाउ इन हिंदी पॉलिसी का मतलब है नीति, यानी कि प्लान. जो आपकी स्ट्रेटजी है, अगर अगर मेरा कॉम्पिटिटर जो है उसने प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, मैं क्या करूंगा? इस स्ट्रेटजी. लेकिन उस स्ट्रेटजी को मैं कैसे, मतलब कि व्हाट विल बी द प्लानिंग अंडर, व्हाट विल बी द पॉलिसी अंडर उस स्ट्रेटजी को मैं पूरा करने वाला हूं, वो आपका पॉलिसी. रणनीति क्या थी? कैसे लड़ना है. और नीति क्या है? कौन सा वेपन यूज करना है? कौन सा वेपन हमने यूज करना है? पॉलिसीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी विच इज यूजुअली इन जनरल टर्म्स. यानी कि उन जनरल टर्म्स को हमने सिचुएशन के अंदर डालकर उसको जो है एक पुश देना है. स्ट्रेटेजी सिर्फ एक गाइडलाइन है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे एग्जैक्टली एक्शन में लेकर आना पॉलिसी है. अ कंपनी मे हैव अ रिक्रूटमेंट पॉलिसी. एज आई सेड, कंपनीज में आजकल होता है, बहुत पहले क्या होता था, पॉलिसी होती थी ओनली टू एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर्स. आजकल क्या है? कैंपस प्लेसमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी. मारुति कार सस्ती है, आई मीन टू से द एल्टो, लेकिन उसी का जो नेक्सा और अभी जो एक नया आया है वो सब महंगी है. तो पॉलिसी क्या है? ये सब मतलब कि दीज आर ऑल द हैचबैक मॉडल, दीज आर ऑल द प्रीमियम मॉडल. तो इनकी प्राइसिंग पॉलिसी में मैं ये रखूंगा कि भाई
दिस शुड बी फॉर द कॉमन कस्टमर, तो इसका कम रहेगा। दिस विल बी फॉर द प्रीमियम कॉस्ट, तो इसके लिए इसका कॉस्ट मैं ज्यादा रखूंगा। दैट्स अ पॉलिसी। इफ देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी, इट बिकम्स ईजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स और इश्यू। जैसे आप दुकान में जाते हो तो ऊपर लिखा होता है, आप कभी भी कोई सामान खरीदते हो तो आप नीचे देखना, उसमें लिखा होता है रिफंड पॉलिसी। आप टिकट्स बुक करते हो तो देयर इज अ रिफंड पॉलिसी। कभी अगर आप लोगों ने साइट पर देखा हो, ध्यान किया हो, मतलब देयर इज अ रिफंड पॉलिसी। किसी किसी मतलब उसके अंदर देयर इज नो रिफंड, नॉन रिफंडेबल। किसी में होता ट्रेन के टिकट्स हम बुक करते हैं तो देयर इज अ क्लियर कट पॉलिसी। अगर आप 4 दिन पहले तक करते हो तो आपको फुल पैसा मिल जाता है, 2 दिन में करते हो तो 80% मिलता है, 1 दिन पहले करते हो तो 50% मिलता है, गाड़ी जाने के बाद करते हो तो दिस इज अ पॉलिसी। मतलब उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, दैट इज आपकी पॉलिसी। अ पॉलिसी इज द जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। एक सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करना चाहते हो वो आपकी पॉलिसी होती है। देर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल्स एंड ऑल डिपार्टमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम मेजर टू माइनर पॉलिसीज। मेजर पॉलिसीज क्या है? कस्टमर्स कौन है, क्लाइंट्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनको हमने कैसे डील करना है। माइनर होते हैं माइन्यूट, मतलब वो इंफॉर्मेशन वाइटल टू एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये पॉलिसी है, छुट्टी की क्या पॉलिसी है आपके ऑफिस में? इन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस अगर आप फ्राइडे की छुट्टी लेते हो तो सैटरडे संडे की छुट्टी को भी काउंट किया जाता है, ये कंपनी की एचआर पॉलिसी होती है। कुछ कुछ कंपनीज में फ्राइडे को फ्राइडे ही माना जाता, सैटरडे संडे नहीं लिया जाता। एंड 100% कंपनीज में अगर आपने फ्राइडे और मंडे दोनों दिन छुट्टी ली है तो सैटरडे संडे की छुट्टी भी काउंट हो जाती है, यानी कि आपकी 4 छुट्टियां काउंट होती हैं, 2 नहीं। दिस इज पॉलिसी। पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर। यहां हमारा था ब्रॉड कॉन्टोर, यानी कि एक शेप, ये है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? सम मेजरमेंट विद इन विच द मैनेजर मे फंक्शन। द मैनेजर यूज हिज और हर डिस्क्रिशन टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई अ पॉलिसी। जैसे परचेज पॉलिसी, भाई शुड अ कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजेस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी, वाटर एंड पावर सप्लाई, हाउ शुड बी द वेंडर्स सेलेक्टेड, हाउ मेनी सप्लायर्स शुड अ कंपनी मेक परचेसेस फ्रॉम, वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग सप्लायर्स, सबके लिए हम पॉलिसी रखते हैं। एंड इट विल डिपेंड, सिचुएशन डिपेंड करता है। नाउ स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी में डिफरेंस आ सकता है। स्ट्रेटजीज आर ब्रॉड कॉन्टोर्स, मतलब एक सिचुएशन को कैसे डील करना है, क्या क्या सिचुएशंस हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी है। और अगर वो सिचुएशन आ गया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने कैसे काम करना है, एक्शन को कैसे लेना, वो पॉलिसी है। स्ट्रेटजी थोड़ी बड़ी, उसके अंदर पॉलिसीज। प्रोसीजर के लिए हम हमेशा यूज करेंगे स्टेप्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में हमें लोगों को रिक्रूट करना है, ठीक है। द पॉलिसी इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी कि हम कंपनी के अंदर से लोगों को नहीं लेते हैं, हम बाहर एडवर्टीजमेंट देते हैं। चलो अब एडवर्टीजमेंट देना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा?
आप ऐड दोगे, फिर आप रिटर्न लोगे, फिर आप पर्सनल इंटरव्यू लोगे। हमने 3 स्टेप्स किए हैं, राइट? पहला था ऐड देना, सेकेंड था ऐड से जो लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उसको स्क्रूटिनाइज करके एक रिटर्न, थर्ड है जो रिटर्न दिया है उनमें जिन लोगों ने पास किया उनका ओरल। तो ये हमारे 3 बड़े बड़े स्टेप्स थे। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट द एक्टिविटीज। याद रखना, प्रोसीजर के साथ आपका जो वर्ड आएगा स्टेप। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच अ वर्क इज टू बी परफॉर्म। दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस वाइज। प्रोसीजर्स आर स्पेसिफाइड स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। दे आर जनरली फॉर द इनसाइडर्स, दिस इज नॉट फॉर द आउटसाइडर। ये कंपनी के अंदर होता है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन आर जनरली टू एनफोर्स अ पॉलिसी टू अटेन द डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड। प्रोसीजर जो है दैट इज कैरीड विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी। पॉलिसी क्या था कंपनी में, रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, एक्सटर्नल इंटर, देन एक्सटर्नल का मतलब है हमें बाहर से रिक्रूट करना है, लोगों को लेना है, नौकरी पर रखना है, ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है? अब इस पॉलिसी में हम स्टेप्स क्या लेंगे, पहले हम जो है वी विल गिव एन एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड हम लोग एक रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तीसरा हम ओरल करेंगे, सॉरी, या इंटरव्यू करेंगे। दिस इज 3 स्टेप्स। अब इन स्टेप्स को, ये तो हमारे स्टेप्स से पहला था एडवर्टाइज करना। तो एडवर्टाइज करने का मेथड क्या होगा, विल यू एडवर्टाइज इट इन द न्यूज़पेपर, विल यू एडवर्टाइज इन द वेब मीडिया, विल यू एडवर्टाइज इन द प्लेसमेंट एजेंसी, व्हाट विल बी द मेथड। सेकेंड है हमारा रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। थर्ड है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका कैसा होगा, पर्सनल होगा या जनरलाइज होगा, यानी कि उस एक-एक स्टेप में आप कैसे काम करने वाले हो, वो होता है मेथड। स्टेप्स आपके सिंपल थे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, लेकिन उस स्टेप के अंदर आप कैसे करने वाले हो, क्या-क्या तैयारी करोगे। अगर आप रिटर्न टेस्ट ले रहे हो, ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव में क्या लेने वाले हो, इंग्लिश लेने वाले हो, जनरल एबिलिटी लेने वाले हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेने वाले हो, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू इंक्लूड, वो था मेथड। मेथड्स प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज ऑफ मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। आपके पेपर में जो क्वेश्चन में आ सकता है वो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर। स्टेप आया तो प्रोसीजर, मैनर आया तो मेथड। इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग 1 स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्टेप स्पेसिफाइज हाउ द स्टेप विल बी परफॉर्म। अभी जैसे मैंने बताया 3 स्टेप्स हैं, उन्हें हमें कैसे परफॉर्म करना है। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी, एफर्ट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जैसे प्रोसीजर है हमारी कंपनी में ट्रेनिंग देना, प्रोसीजर है हमारी कंपनी में ट्रेनिंग देना। मिडिल लेवल को कैसे ट्रेन करोगे, टॉप लेवल को कैसे करोगे, एंड सुपरवाइजरी को कैसे करोगे। तो आपका हो सकता है कि टॉप लेवल में आप जो हो सेमिनार्स रखो,
मिडिल लेवल में वर्कशॉप रखो, एंड इन द सुपरवाइजरी लेवल हो सकता है कि आप उनको जो हो मशीनों पर ट्रेनिंग दो, इंडक्शन दो, या फिर मे बी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दो. दैट इज आपका मेथड. ट्रेनिंग देना मतलब कि इन द कंपनी द प्रोसीजर कैसे, आप कैसे लोगों को समझाते हो ट्रेनिंग के थ्रू. दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल फॉर हायर लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन लेक्चर सेमिनार एंड सुपरवाइजरी में जॉब ट्रेनिंग वर्क ओरिएंटेड मेथड. रूल व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन. रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन. दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी